बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजी श्री राज श्यामा जी के चरणों में शाश्वत नमन। अपना पक्ष चल रहा है श्री राज श्यामा जी के मेल से, हम विराट समझने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी अपना जो प्रसंग पक्ष चल रहा है वो चल रहा है अव्याकृत। जो हमने कल देखा कि अक्षर ब्रह्म की चतुष्पाद विभूति है, अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म और सस्व ब्रह्म। तो सबसे पहले हम अव्याकृत ब्रह्म को जानने का प्रयास कर रहे हैं। अव्याकृत ब्रह्म के भी हमने चार पार्ट्स देखे थे कि चार भागों में। अव्याकृत ब्रह्म एक शक्ति, लेकिन उनको हम चार भागों में समझ रहे हैं। यहाँ तक है स्थूल पाद, ये है सूक्ष्म, ये कारण सात शून्य, और ये महाकारण। महाकारण के पुणे चार भाग होंगे। तो इस तरह से कल हमने स्थूल को समझा था कि किस तरह से ओम का विस्तार होता है। ओम कहे, प्रणव कहे, पांच वेद, पांच तत्व, पांच गुण, पांच ही देव यहाँ मूलभूत विराजमान है। तो ये शोभा हमने कल देखी। प्लस ये देखा कि प्रणव के जो निर्मल चैतन्य में, ये जो प्रणव ब्रह्म है, अव्याकृत का जो स्थूल पाद है, उसके निर्मल चैतन्य में संसार के जीवों की जो आम खलक की बेस बननी है, वो यहाँ पर अव्याकृत के स्थूल के निर्मल चैतन्य में बननी है। तो आज बढ़ते हैं कि ये जो प्रणव ब्रह्म से परे सूक्ष्म तत्व है काल निरंजन। तो आज हम देखते हैं काल निरंजन का, काल निरंजन का विस्तार देखते हैं। सुंदर साहब जी, अपने को याद होगा कि हमने जब शर पुरुष किया था तो शर पुरुष में हमने महाविष्णु के सूक्ष्म में महातत्व किया था, है ना। महातत्व का विस्तार किया था, विद्या, महाविद्या, सुमना शक्ति, प्लस अध्यात्म, अधिदेव, अधिभूत। तो ठीक ये जो जो हम अभी अव्याकृत का प्रति सूक्ष्म करेंगे, उसी का प्रतिबिंब यहाँ पर पड़ा है। सेम वही प्रतिबिंब यहाँ पर पड़ा है। फर्क क्या है कि यहाँ पर तो ये अनित्य है, नाशवान होने वाला है, और जब हम आप देखेंगे बेहद में, अव्याकृत में, वो नित्य है, वो अखंड है ना। ये जो प्रतिबिंब है ये नाश होने वाला है, और है बिल्कुल वही। देखेंगे यही भी शक्तियां वहां देखेंगे हम। एक एक शक्ति के साथ 24,000 शक्तियां देखी थी, अध्यात्म, अधिदेव, अधिपर्णी, इन तीन स्वभावों की लीला भी देखी थी। तो यही का यही वर्णन अब होना है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए, इस नक्शे में देखते हैं पहले अव्याकृत के सूक्ष्म में काल निरंजन। इसी काल निरंजन का प्रतिबिंब महातत्व में पड़ा। यहाँ पर भी देखो, अधिभूत 10 महाविद्या, असत, जड़ और दुख। असत, जड़, दुख यहाँ पर कैसे हैं, इसका भी अभी विस्तार करते हैं। अधिदेव विद्या और ब्रह्म विद्या, आवरण, विक्षेप, काल, अध्यात्म, शुमना शक्ति, इच्छा, ज्ञान और क्रिया। शर ब्रह्मांड में महाविष्णु के सूक्ष्म में महातत्व इसी का प्रतिबिंब है, इसी का प्रतिबिंब। अब वो देखते हैं, कल जो हमने देखा कि खेल का विस्तार मन से हुआ, लेकिन बुद्धि का भी तो पूरा योगदान होता है। कहते ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो बुद्धि ही काम बनाती है, बुद्धि ही बिगाड़ती है। तो इस खेल में बुद्धि का भी पूरा सहयोग रहता है, बुद्धि की भी पूरी भूमिका रहती है। ये सूक्ष्म क्या हुआ, अव्याकृत भ्रम का, बुद्धि का सूक्ष्म यानी बुद्धि का पार्ट है। एक एक करके बहुत धीरे धीरे चार्ट के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले जैसा कि हमने देखा कल, अव्याकृत के स्थूल पाद में प्रणव ब्रह्म और गायत्री शक्ति देखी। प्रणव ब्रह्म कहे, ओम कहे, उसमें आ उ म अर्ध मात्रा बिंदी का विस्तार देखा। गायत्री शक्ति देखी, प्रणव ब्रह्म के निर्मले चेतन में, प्रणव ब्रह्म का धाम है लेकिन वह गायत्री शक्ति की प्रधानता है, तो उसको गायत्री शक्ति का धाम कहते हैं। फिर अब इससे परे है अव्याकृत का सूक्ष्म पाद यानी काल निरंजन शक्ति। अब शास्त्रों में इसके कई नाम हैं, निर्गुण, निराकार, निरंजन,
पुरुष, निरंजन काल भगवान, निरंजन शक्ति, महाकाल, महारुद्र और महातत्व। काल पुरुष क्यों कहते हैं? क्योंकि अक्षर ब्रह्म की सृष्टि रचना का रूप ये है। जो सृष्टि रचना का रूप है तो इसको काल पुरुष कहते हैं। काल भगवान कहते हैं क्योंकि पांच तत्वों का अधिपति है। जो हमने स्थूल में पांच तत्व देखे उसका सूक्ष्म भी यहाँ पर है, जैसे कि अपन ने वहां देखा था शर पुरुष में कि जो 14 लोक, अष्टावरण, ज्योति स्वरूप, व्यष्टि ज्योति स्वरूप और जो गायत्री शक्ति है, उन सबका जो मूलभूत भूत था वो उसमें था महातत्व में। इसी प्रकार से ये यहाँ पे पांच तत्व मूल रूप से हैं, तो पांच तत्वों का अधिपति है। अब महाकाल है, महाकाल अर्थात अनेक ब्रह्मांडों को अपने अंदर से ही प्रकट करते हैं, फिर अपने अंदर ही समाहित कर लेते हैं। महारुद्र जब संगार करते हैं तो रौद्र रूप धारण करते हैं। महातत्व किसको कहते हैं? जब नारायण के अंदर मोह उत्पन्न हुआ तो मोह रूपी अंडा इसी का मूल है। मोह के आवरण में जो इच्छा रूपी अंडा है वो इच्छा यहीं से प्रकट होती है, यानी नींद का आवरण, तो इसलिए इसको महतत्व है ना। तो इस तरह से अपन ने देखा काल पुरुष क्यों कहते हैं, क्योंकि अक्षर ब्रह्म की सृष्टि रचना का रूप है। काल भगवान पांच तत्वों का अधिपति है। महाकाल अनेक ब्रह्मांडों को अपने अंदर से ही प्रकट करना और अपने अंदर ही समाहित कर लेना। जब संहार करते हैं तो रौद्र रूप तो कहलाते हैं महारौद्र। जब और महातत्व इनको क्यों कहते हैं? महातत्व जब नारायण के अंदर मोह उत्पन्न होता है तो जो मोह रूपी अंडा इसी का मूल है। मोह के आवरण में जो इच्छा रूपी अंडा होता है वो इच्छा यहीं से प्रकट होती है। अब देखते हैं अथर्ववेद और महाभारत में इनके जो प्रमाण है उसको अथर्ववेद में भी देखते हैं और महाभारत में भी देखते हैं। काल कर्ता विकर्ता च सर्वमन्ये द कारणम, है ना। तो इसका भाव क्या है? ये जो हम देख रहे हैं ये क्या है? ये काल ही करता है। ये जो हम ये देख रहे हैं यहाँ पर सूक्ष्म का विस्तार, काल निरंजन का, है ना। ये देखिए काल निरंजन का जो विस्तार देख रहे हैं, ये काल ही करता है, यही बिगाड़ता है, यही नाश विनाश करता है। संसार में जो दुख सुख ऐश्वर्य सब इसी के द्वारा। अभी हम देखेंगे इस संसार में जो ज्ञान का प्रसार होता है वो भी इसी के द्वारा। इसके सामने इसके सिवाय किसी का जोर बल नहीं चलता, यही काल विश्व में व्यापक हो रहा है। और ये अग्नि की भांति सब कुछ समेट के स्वयं भी अंतर्हित हो जाता है। तो ये अग्नि की भांति सब कुछ समेट कर स्वयं भी अंतर्हित हो जाता है। और इसके क्या स्वभाव है जो हमने वहां भी देखे थे माता तुम्हें? अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत, है ना। तो इस तरह से ये जो काल निरंजन है यही करता है, यही बिगाड़ता है, यही नाश करता है। दुख सुख ऐश्वर्य ज्ञान सब इसी से है। और ये काल विश्व में व्यापक हो रहा है, अपने अंदर से ही प्रकट करके अपने अंदर ही सबको समेट लेता है। अब आदि नारायण का सूक्ष्म जो महत तत्व है वो इसी का प्रतिबिंब है। आदि नारायण का सूक्ष्म अपन ने देखा इसी का महत तत्व है। मोह तत्व नहीं, महत तत्व इसी का प्रतिबिंब है। यहाँ गलत लिखा हुआ है, इसको महत तत्व समझे अपन। तो इसी का प्रतिबिंब है। उसके जितने नाम गिनाए गए हैं वह सब मूलतः इसी के नाम है। यहाँ इसका निज स्वरूप मन वचन दृष्टि से परे निर्विशेष और अत्यंत सूक्ष्म सुप्ता रूप में है। यहाँ पर ये मन वचन दृष्टि से परे निर्विशेष अत्यंत सूक्ष्म सुरता के रूप में है, अतः इसे नित्य वांग मनस्य परम भी कहा गया है। जो हमने नीचे देखे पांच तत्व का विस्तार, पांच शक्ति, पांच वेद, पांच तन मात्रा, तो वो सब यहाँ मूल रूप में है। और ये अखंड के दरवाजे पर चौकी रूप है। पहले हमने देखा था प्रणव ब्रह्म में ये जो मन स्वरूप रोधनी शक्ति जो हमने देखी थी, जो जीव अधिकारी नहीं है उनको आगे नहीं जाने देती। अब जो जीव आगे पहुंच गए ज्ञान के बल पे या किसी अंकुर के बल पे, अगर वो
अधिकार नहीं रखते तो ये यहाँ पे चौकी के रूप में बैठा है। तो जो जीव इसका अधिकार नहीं रखते तो उनको आगे जाने से ये रोकता है, एक तरह से चौकी बना के बैठा है कि अगर आपकी आपका वो कहते हैं ना आपके ताले नहीं है तो आपको अंदर आगे नहीं जाने देगा, है ना। ये देखिए यहाँ ये अखंड के दरवाजे पे चौकी रूप से विराजमान है, किसी भी अन अधिकारी जीव को अखंड में यहाँ से आगे जाने नहीं देती। अब अक्षर ब्रह्म की पांच वासनाओं का शाला रूप स्थान भी यही है, अक्षर ब्रह्म की पांच वासना यहाँ तक पहुंची। यहाँ हम देखेंगे शाला रूप स्थान यहाँ पर है और अक्षर ब्रह्म की पंच वासनाएं यह महाकारण में इन वैष्टों में अखंड होगी, छठी वैष्ट जो मलपूती वैष्ट बनेगी उसमें, लेकिन शाला रूप में वो यहाँ पर है। तो इस तरह से हमने देखा कि आदि नारायण का जो सूक्ष्म मह तत्व देखते हैं इसी का प्रतिबिंब है। अब उस प्रतिबिंब के जो हमने मह तत्व के जो हमने सब नाम देखे थे वो सब नाम इसके ऊपर भी घटित होते हैं, और मन वचन दृष्टि से परे है, इसको आप मन वचन कर्म से नहीं देख सकते क्योंकि ये निरंजन है जिसको आंखों से नहीं देखा जा सके। पेड़ काली किन न देखी, सब छाया में ही रहे उलझाए, गम छाया की भी ना पड़े तो पेड़ पार क्यों लखाए। श्रीमुख वाणी से है कि आज दिन तक इस जगत के मूल अव्यक्त कारण यानी प्रकृति रूप वृक्ष को भी किसी ने नहीं देखा, जो ये माया रूपी वृक्ष है उसको भी अभी तक तो किसी ने नहीं देखा, सब उसकी वृक्ष की छाया में ही उलझे हुए हैं, और बहुतों को तो छाया की भी पहचान नहीं हुई, महातत्व की ही पहचान नहीं हुई तो आगे काले रंजन की तो कैसे होगी। तो ऐसी अवस्था में ये संभव नहीं है कि उस वृक्ष रूप माया से परे कोई ब्रह्म की पहचान कर ले। पेड़ काली किन ना देखी, सब छाया ही में रहे उलझाए, गम छाया की भी ना पड़ी, इस माया की भी तो अभी गम नहीं पड़ रही, इस शर पुरुष का भी तो विस्तार पता नहीं चल रहा, तो पेड़ पार क्यों लखा, तो हमें अखंड ब्रह्म का पता कैसे चलेगा। तो संक्षिप्त रूप में उपरोक्त चपाई का जो आशय है वो इस प्रकार से है कि उस सुमंगला शक्ति यानी अनादि चेतन माया को कोई भी नहीं जानता, अनादि जो चैतन्य माया है सुमंगला शक्ति उसको कोई भी नहीं जानता, जिसकी छाया रूपी ये जो अपन देख रहे हैं कारण प्रकृति, ये जो हम शर ब्रह्मांड देख रहे हैं इस जगत की रचना होती है तीन गुणों से और पांच तत्वों से, सभी इस कारण प्रकृति को ही मूल मानकर उसमें उलझ जाते हैं, क्योंकि ये जो अपने को दिख रहा है अपन इसी को सत्य मान रहे हैं, संसार के जो जीव है इसी को सत्य मान रहे हैं, अधिकतर तो इसके आगे जान ही नहीं पाते, इसके आगे जा ही नहीं पाते। अष्ट आवरण पंचभूत पांच तत्व मन बुद्धि अहंकार से भी आगे का जाने का साहस नहीं कर पाते। संसार के जो सामान्य जन है वो तो 14 लोक का विस्तार नहीं जान पाते, अष्ट आवरण जो पांच तत्व है मन बुद्धि अहंकार है उससे भी आगे नहीं जा पाते। तो ऐसी अवस्था में कैसे संभव है कि संसार के लोग सुमंगला पुरुष यानी अव्यक्त उसके परे सबली केवल ब्रह्म सत स्वरूप और उनसे भी परे अक्षर और अक्षरातीत के विषय में जानने के लिए प्रयासरत होंगे। संसार के जो सामान्य जन हैं वो इस छाया को भी नहीं जान पा रहे, आदि पुरुष को ही नहीं जान पा रहे, तो ये कैसे संभव है कि वो सुमंगला शक्ति को समझेंगे, प्रणव ब्रह्म को समझेंगे, इन काल निरंजन को समझेंगे, अव्यापृत ब्रह्म आगे सबलिक ब्रह्म केवल ब्रह्म सत स्वरूप और पार परम धाम तक तो पाना उनको संभव ही नहीं है। तो अब हम यहाँ पे अपने आप को तोले कि हमारी क्या रहनी है ना, अपने क्या किया, कुछ भी नहीं किया लेकिन हमको सब कुछ मिल रहा है, तो धनी से निस्बत है, धनी की हमारे पे अपार मेरे है। देखा जाए तो अपने कोई तप नहीं किया, कोई बंदगी नहीं करी, सहजे सहजे धनी अपने को मिल रहे हैं ना। आंखें बंद करते हैं बैठते साथ ही हम कह रहे हैं कि हाँ अद्भुत बेहद के ब्रह्मांड के पड़े धनी चरणों में पहुंच गए, ये भी श्रीमुख वाणी से चपई है। कोई कहे इस सबे काल कर्म शक्त उपाय,
खिलावे अपने मुख में आखिर दो को खाए। कोई कहता है कि ये सारा जगत काल का ही पसारा है। काल से कर्म क्रिया शक्ति, अभी अपन क्रिया शक्ति का विस्तार जानेंगे, और शक्ति ज्ञान शक्ति का प्रकटन तो होता है कि इस काल निरंजन से ही क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति का प्रकटन तो होता है। काल के ही अधीन रह के ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति द्वारा संसार का सारा कार्यभार चलता है, उत्पत्ति पालन सार। अभी देखा था ना, अपने अंदर से ही प्रकट करके अपने अंदर ही समाहित कर लेते हैं। उन्हें महाप्रलय में ब्रह्मांड के साथ ही शक्ति ज्ञान शक्ति और कर्म भी काल में लीन हो जाते हैं। अपने अंदर से ही प्रकट करना और अपने अंदर ही समाहित कर लेना। हमने देखा ना कि महाशून्य समष्टि से आदि पुरुष का, शर पुरुष कहें, महाविष्णु कहें, उनका उदय होना, और उनसे फिर 14 लोक, अष्टावरण की, तो जब लय होता है तो वापिस महाशून्य समष्टि में, और महाशून्य समष्टि अव्यकृत में, अव्यकृत पुरुष में जाके लय हो जाती है। तो अपने अंदर से ही संसार का उदय और अपने अंदर ही लय। अब अर्थव कांड में अपने को ये मिल रहा है निशान कि जो काल पुरुष सबको मारता है, सबको जिलाता है, सबको जिलाता है यानी सबको पालन करता है, उससे संपूर्ण जगत प्राण शक्ति पाता है। संपूर्ण जगत उसी से प्राण शक्ति पाते हैं। शिव, सदाशिव आदि नाम से प्रसिद्ध सब प्रणव ब्रह्म के स्वरूप से विस्तार पाते हैं। ये रहस्य बहुत ही गूढ़ और जटिल है, साधारण जीव इसे नहीं जान पाते। अब है ये नाद बिंदु उपनिषद में कि अव्यक्त स्वरूप अक्षर से काल निरंजन को शक्ति प्राप्त होती है। काल निरंजन शक्ति के द्वारा परम आकाश का विस्तार होता है। तो कुछ इसी को ही महारुद्र करके लिखते हैं। अपन ने कहा ना, जब ये रौद्र रूप धारण करते हैं तो इसको महारुद्र कहते हैं। तो काल निरंजन के पास बहुत शक्तियां हैं, सोमना, विद्या, महाविद्या, फिर एक एक शक्ति के साथ 24 24 हजार शक्तियां, टोटल 72 हजार शक्तियां। तो ये इसका बहुत ज्यादा ही शक्तिशाली है, 72 हजार शक्तियों के साथ, और फिर सुमना शक्ति, विद्या, महाविद्या शक्ति। तो ये बहुत विस्तृत इसका क्षेत्र हो जाता है, इसका कार्य क्षेत्र बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और कुछ योगियों का तो मानना है कि प्रणव का ध्यान करते करते वासना क्षीण हो जाती है, तब इस काल निरंजन के धाम को प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से काल निरंजन की शक्ति का विस्तार, उनको महारुद्र कहा गया और बताया गया कि कितने शक्तिशाली, कितने विस्तृत तो उनका उनका जो कार्य क्षेत्र है। अब देखते हैं, हमने ये जो काल निरंजन देखा, अब नक्शे में हम देख रहे हैं अपने को एक ही पार्ट नजर आ रहा है ना, या नक्शे में अपने को इसका एक ही भाग नजर आ रहा है, वो है उसका सूक्ष्म भाग। ये जो अव्यक्त के सूक्ष्म में जो ये काल निरंजन है, इसको भी 4 भागों में समझेंगे, है ना, शुद्ध स्थूल, शुद्ध सूक्ष्म, शुद्ध कारण और शुद्ध महाकारण। तो उसमें जो सूक्ष्म है उसका ज्यादा महत्व है, उसी का ज्यादा विस्तार है, तो इसको 4 भागों में समझते हैं। अब क्या होता है, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, पहले अव्यक्त के 4 भाग हुए, स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण। तो अब स्थूल के भी भाग कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा अलग करने के लिए तो आगे लगा दिया जाता है शुद्ध स्थूल। तो यहाँ पे शुद्ध स्थूल में, यहाँ स्थूल लिख रखा है, इसके आगे शुद्ध अपन लगाएं, शुद्ध स्थूल में काल निरंजन की निज लीला है और पंच वासनाओं का ये शाला रूप स्थान है, यानी उनकी कार्यस्थली होगी एक तरह से। तो ये काल निरंजन की निज लीला स्थूल में क्या है, काल निरंजन की खुद की लीला है, और पंचवासनाओं का ये शाला रूप स्थान भी हो गया। अब शुद्ध सूक्ष्म में देखेंगे अध्यात्म, अधिभूत, अधिदेव, इन तीनों की लीला है, तो इसका विस्तार बहुत ज्यादा है। तो ये विस्तार अपन अभी करते हैं, अध्यात्म, अधिभूत, अधिदेव, विस्तार अपन महत्तत्व में कर चुके हैं, वापिस से करेंगे। कारण में देखते हैं, शुद्ध कारण में नित्य गोलोक अखंड ब्रज का प्रतिभास है। सबलिक भ्रम में अखंड है, सबलिक भ्रम से सबलिक के
मतलब सूक्ष्म में, स्थूल में, पहले सबसे पहले प्रतिबिंब, फिर प्रतिभास, फिर अव्यकृत में, फिर ये नीचे नीचे उतरते हुआ, जैसे प्रतिबिंब का भी प्रतिभास प्रतिभास प्रतिभास, तो यहाँ पर ये नित्य गोलोक अखंड ब्रज का प्रतिभास है। महाकारण में नित्य वृंदावन अखंड रास की लीला का प्रतिभास है। उतरते उतरते एक बार उतरेगी तो प्रतिबिंब, फिर प्रतिबिंब की जब छाया पड़ेगी तो हो गया प्रतिभास, तो यहाँ पर प्रतिभास है। तो जो तीन स्थान है, स्थूल में देखते हैं, इसमें ज्यादा कुछ नहीं समझना कि काल निरंजन की जो खुद की लीला है वो यहाँ पर होती है, और पंचवासनाओं का ये शारद रूप स्थान हो गया। सूक्ष्म अभी देखते हैं, शुद्ध कारण में नित्य गोलोक अखंड ब्रज का प्रतिभास, और महाकारण में नित्य वृंदावन अखंड रास की लीला का प्रतिभास। तो ये तीन पात तो हो गए, स्थूल कारण और महाकारण। अब अपने को इसको समझना है, सूक्ष्म को विस्तार से समझना है, अध्यात्म अधिदेह अधिभूत और अधिदेह, इन तीनों को समझना है। तो देखते हैं अध्यात्म, सबसे पहले अध्यात्म को देखते हैं। इसके साथ सुमना शक्ति रहती है, सुमना शक्ति, और उसका स्वभाव क्या है, इच्छा क्रिया और ज्ञान, और 24,000 शक्तियां साथ में है। जो अध्यात्म है इसका स्वभाव काल निरंजन पुरुष का, जो अध्यात्म स्वभाव है उसके साथ सुमना शक्ति रहती है, और स्वभाव है इच्छा क्रिया और ज्ञान, और 24,000 शक्तियां रहती हैं। अब इच्छा क्रिया और ज्ञान का विस्तार अपन देखते हैं कि जैसे दिल में इच्छा हुई कि मैं गुड़ खाऊं, ये हुई इच्छा, गुड़ खाना, ये तो हुई कि इच्छा है कि दिल में कि मुझे गुड़ खाना है। अब जब गुड़ खाएंगे तो वो हुई क्रिया। अब रसना को जो उसका रस मिलेगा वो है ज्ञान। इसी तरह से अपन देखें कि हमको नृत्य सीखना है, ये इच्छा हुई कि नृत्य सीखना है, अब सीखना है तो क्रिया करेंगे, उसको सीखने का प्रयास करेंगे। अब सीख जाने के बाद वो जो ज्ञान आएगा वो है ज्ञान, तो इसका स्वभाव क्या है, इच्छा क्रिया और ज्ञान। जब दिल में इच्छा होती है कि सृष्टि की रचना करो, ये तो ही इच्छा, इच्छा हुई तो क्रिया होगी, क्रिया के साथ साथ वो ज्ञान भी होगा, वो सृष्टि रचना भी होगी। अब देखेंगे अधिदेव, 24,000 शक्तियों सहित विद्या और ब्रह्म विद्या नाम की दो शक्तियां रहती हैं, और इसका स्वभाव है आवरण विक्षेप और कार। आवरण जो सत्य को देखने नहीं देता, अब ये जो शरीर का आवरण है हमें जो सत्य चेतन है उसको देखने नहीं देता, अब ये जो संसार का आवरण है जो चेतन है सत्य जो परमात्मा है उसको देखने नहीं देता, क्योंकि तो हमको यही संसार नजर आ रहा है, लेकिन हमारे जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, क्योंकि हमको यही सत्य लग रहा है, जैसे कह दिया गया खरगोश के सिंह, अब दूर से देखते हैं तो खरगोश के सिंह नजर आते हैं क्योंकि तो उसके दोनों कान खड़े हैं, लेकिन सिंह तो नहीं है ना, तो सत्य देखने नहीं देती बुद्धि, बुद्धि का ही तो आवरण आ जाता है, बुद्धि देखने नहीं देती। अब कहीं पे कोई रस्सी यूं स्टिल पड़ी है अंधेरे में, है ना, अब बुद्धि ने मान लिया कि ये सांप है तो आप उससे डरोगे, तो वो आवरण जो है, जो बुद्धि का जो आवरण है वो सत्य को देखने नहीं दे रहा। अब विक्षेप, सत्य को देख नहीं पा रहे, आवरण ने अपने को सत्य को ढक दिया, और काल किसके अंदर कितने टाइम तक चेतना रहनी है वो इसके अधीन है। अधिदेव के साथ अभी देखेंगे जब सृष्टि का विस्तार होता है तो अधिदेव के साथ चेतन आता है, तो किस जीव के अंदर कितने टाइम तक चेतन रहना है वो इसका विस्तार है। अब अधिभूत, 10 महाविद्या ब्राह्मणी शक्ति, और इसका स्वभाव है असत जड़ और दो, इसके साथ भी 24,000 शक्तियां, ने अध्यात्म अधिदेव अधिभूत तीनों के साथ 24,000 शक्तियां हैं, तीनों के साथ 24,000 शक्तियां हैं। तो जब विराट की उत्पत्ति होती है, खेल की उत्पत्ति होती है, तो जो 5 तत्व हैं वो अधिभूत से आते हैं, चेतना आती है अधिदेव से, और अध्यात्म से आता है ज्ञान। इस संसार में जितना भी ज्ञान है, जितनी भी प्रगति हो रही है, वो सब इस अध्यात्म शक्ति से, चेतन आ रहा है अधिदेव के साथ, और अधिभूत 5 तत्व, जो 24,000 शक्तियां हैं वो तो अपन मान ले तीनों के साथ है ही सही। अध्यात्म का स्वभाव क्या है, इच्छा क्रिया और ज्ञान। इच्छा करेंगे, इच्छा होगी तो उसको पूरा करने के लिए क्रिया होगी,
क्रिया होगी तो उस चीज का ज्ञान, उस चीज का स्वाद भी होगी। अब अधिदेव, इसका स्वभाव क्या है? आवरण, विक्षेप और काल। आवरण आ गया इस शरीर का, विक्षेप जो सत्य को देखने नहीं दे रहा, काल यानी किसके अंदर कितने टाइम तक चेतन को रखना है वो इसी काल निरंजन के अधीन है। यहीं से प्रेरणा मिलती है। अधिभूत जो पांच तत्व, सृष्टि का विस्तार करना है तो पांच तत्व आएंगे तो वो इधर से, तो इसका सब बात बताया, असत, जड़ और दो। अब यहाँ ये सोचने वाली बात है कि बेहद में अपन अखंड भूमिका की बात कर रहे हैं अभी, वहां अपन ने काल माया के ब्रह्मांड में तो मजे से बोल दिया कि पांच तत्व है, ये संसार सारा असत है, जड़ है, दुख है, आराम से बोल दिया। लेकिन यहाँ में अपन कैसे कहेंगे बेहद भूमिका में, तो यहाँ पे असत, जड़, दुख कैसे हो सकता है? यहाँ असत कैसे हो सकता है, जड़ कैसे हो सकता है और दुख कैसे हो सकता है ना? क्योंकि अपन बेहद भूमिका की बात कर रहे हैं, अक्षर ब्रह्म के मन की बात कर रहे हैं, मतलब उनके मन स्वरूप की बात कर रहे हैं। तो क्या है ये जो असत, जड़, दुख है, ये एक तरह से विलक्षण है कि कारण और महाकारण में हमने देखा कि ब्रिज और रास का प्रतिभास है। जो कालनिरंजन शक्ति है वो ब्रिज और रास की लीलाओं का सुख तो ले रहे हैं, लेकिन वो प्रतिभासिक लीलाएं हैं, वो लीलाएं चेतन नहीं है, प्रतिभासिक है। प्रतिबिंब का भी प्रतिभास, प्रतिभास का भी प्रतिभास, तो एक तरह से वो जड़ है, वो सत नहीं है। तो इस तरह से ये असत, जड़ और दुख है। एक बार वापिस विस्तार करती हूँ कि हम बेहद भूमिका की बात कर रहे हैं, अक्षर ब्रह्म के चतुष्पाद की बात कर रहे हैं, अव्याकृत ब्रह्म। अब अव्याकृत ब्रह्म बेहद भूमिका में असत, जड़, दुख कैसे होगा? तो इसका विलक्षण भाव है, क्योंकि काल निरंजन जो शक्ति है वो कारण और महाकारण में जो रासलीला और ब्रिज अखंड, ब्रिज का जो प्रतिभास का सुख ले रहे हैं, तो वो जो सुख है वो प्रतिभासिक है, वो एकदम से वो लाइव सुख नहीं ले पा रहे। जो प्रतिबिंब भी उतरा, प्रतिबिंब का भी जो प्रतिभास उतरा उसको देख पा रहे हैं, तो एक तरह से वो पिक्चर देख पा रहे हैं ना उसकी, तो वो असत है, जड़ है और दुख है। तो इस तरह से वो असत है, जड़ है, दुख है, इस तरह से विलक्षण असत, जड़, दुख का भाव आता है यहाँ पर। तो ये हुआ अध्यात्म, अधिदेव और अधिदेव। अब इसको ना एक बहुत सहज भाव से अगर अपन समझे कि अधिभूत, आध्यात्म और आदिदेव क्या है, इसको अगर हम बहुत सहज भाव से समझते हैं तो हम देखेंगे कि जो आध्यात्म है वो है इंद्रिय, आध्यात्म है इंद्रिय, और अधिदेव उनका देवता, और विषय है अधिबोध। अब सबसे पहले इंद्रिय का लेते हैं, श्रवण, सबसे पहले श्रवण, तो ये तो हो गया अध्यात्म। अधिदेव क्या हुआ? जो श्रवण अंग का देवता है, दिक्पाल। शब्द क्या है? श्रवण का काम क्या है? सुनना। तो ये जो शब्द है ये हो गया अधिबोध, अगर इसको सहज भाव से अपन लेते हैं। अब 10 महाविद्या की बात आई ना, ये देखिए अपन यहां से वापस देखते हैं। अध्यात्म, अध्यात्म के साथ सुनना शक्ति है, इच्छा, ज्ञान क्रिया अपन ने देखी। अधिदेव के साथ है विद्या, ब्रह्म विद्या, आवरण, विक्षेप और काल। और अधिभूत में हम देख रहे हैं 10 महाविद्या। यही 10 महाविद्या यहाँ हमने प्रणव ब्रह्म में 10 बाजू के रूप में, प्रतीक रूप में देखी, किन्हीं विद्याओं से कार्य होता है, तो वो प्रतीक रूप 10 बाजू। अब ये 10 महाविद्या कौन सी? चामुण तंत्र में इसका प्रमाण आया है कि 10 महाविद्या कौन सी है? ब्रह्मांड में काली, तारा, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और षोडशी और कमला, मतलब ये उन 10 महाविद्याओं के नाम है। हमारे पिंड में ये जो अपना शरीर है, इस पिंड में ये 10 प्राण रूप हो जाती है ना? ये 10ों महाविद्या बहुत महाप्रबल और माया शक्ति वाली है, विद्या का अर्थ माया शक्ति। तो ये जो 10 विद्याएं हैं ये शरीर के अंदर, पिंड के अंदर 10 प्राण रूप हो जाती है। अब हमने देखा था अधिदेव, अधिभूत और आध्यात्म शक्ति, सबके साथ 24 24,000 शक्तियां आती हैं।
टोटल मिलाएंगे 72,000। तो इस शरीर के अंदर 72,000 ही नाड़ियां हैं। अब जो अष्टांग योग से साधना करते हैं तो वो साधना से अपने शरीर की उन्हीं नाड़ियों को ही प्रज्वलित करते हैं, उन्हीं को ऊर्जावान करते हैं, आपके शरीर के अंदर जो नाड़ियां हैं उन्हीं को। अब ये देखते हैं यहाँ पर कि जो 72 सहस्त्र शक्तियां, 72,000 जो शक्तियां हैं, ये काल निरंजन पुरुष भरा है, क्योंकि हमने पहले देखा विद्या महाविद्या सुमना, ये तीन शक्तियां तो है ही सही। फिर तीन स्वभाव है अध्यात्म अधिभूत अधिदेव, फिर सबके साथ 24,000 शक्तियां हैं, तो ये बहुत शक्तिशाली है, तो ये महाप्रबल है। ये जो विश्व है उनके जो असंख्य अनगणित जो जीव है उन सबका प्राण रक्षण करने वाला यही है। काल निरंजन बोला ना, क्योंकि किस जीव के अंदर कितने टाइम तक चेतना रहनी है वो यहीं से निर्धारित होता है। अब जितनी भी देवियां हैं अपन संसार में, जितनी भी देवियां हैं वो सब यहीं से संसार में, महाकाली भवानी आदि जितनी भी देवियां हैं वो सब इसी का विस्तार है। महातत्व जो हमने देखा शर पुरुष में, ये देखो ये महातत्व देखा था ना शर पुरुष में, ये सूक्ष्म देखा था ना महतत्व, यहाँ भी देखो विद्या महाविद्या सुमना वही प्रतिबिंब यहाँ पड़ा है, अध्यात्म अधिदेव अधिभूत वही का वही सेम प्रतिबिंब यहाँ पड़ा है। तो महातत्व इसी का प्रतिबिंब स्वरूप है। और ये काल निरंजन के, ये जो काल निरंजन शक्ति है अखंड के द्वार पे चौकी के रूप में, एक चौकीदार के रूप में बैठी है और किसी को आगे नहीं जाने देती। जो अधिकारी नहीं है उन जीवों को ये आगे नहीं जाने देती। और इस विशाल धाम में भी ब्रजराज की अनेक लीलाओं का प्रतिभास है, जो हमने देखा शुद्ध कारण में और शुद्ध महाकारण में ब्रज और राज की लीलाओं का प्रतिभास। और इसके ऊपर जो 7 शून्य है उनका भी बेहद विस्तार है। और ये काल निरंजन अनेक विद्या और विभूतियों का भंडार है। तो इस तरह से आज हमने जो विस्तार देखा प्रणव के पड़े अव्यकृत भ्रम के सूक्ष्म पात का, अव्यकृत के सूक्ष्म में काल निरंजन, और इसी काल निरंजन का प्रतिबिंब पड़ा शर पुरुष में, शर पुरुष के सूक्ष्म शरीर में, यहाँ सूक्ष्म में है तो इसका प्रतिबिंब वहां भी सूक्ष्म में ही पड़ेगा, है ना। यहाँ पे सूक्ष्म में है तो सूक्ष्म में, ये कारण में 7 शून्य है तो वहां कारण में 7 शून्य, तो इसी का प्रतिबिंब वहां पे पड़ा शर पुरुष में। यहाँ पे हमने देखा अध्यात्म अधिदेव और अधिभूत काल निरंजन के तीन स्वभाव है, लेकिन उससे पहले हमने ये भी देखा कि काल निरंजन को हम 4 भागों में समझते हैं, शुद्ध स्थूल में यानी उनकी निज लीला, शुद्ध सूक्ष्म, शुद्ध सूक्ष्म में ये विस्तार देखा अध्यात्म अधिदेव और अधिभूत, और फिर शुद्ध कारण में ब्रज की लीलाओं का प्रतिभास, और शुद्ध महाकारण में हमने देखा रास की लीलाओं का प्रतिभास। तो ये जो काल निरंजन है जो खेल का मूल है वो इसके अंदर है। मन के साथ साथ बुद्धि का भी तो रोल होता है, तो इस खेल का जो मूल है इस काल निरंजन में है, तभी कहा ना ये अपने अंदर से ही प्रकट करके और वापस अपने अंदर ही समाहित कर लेता है। तो ये हमने आज विस्तार देखा अव्यकृत के सूक्ष्म पाद का, काल निरंजन शक्ति का। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धाम की जय, सर सुंदर साथी राम जी।